गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, टुडे वी कंटिन्यूस आवर प्रीवियस लेक्चर और चैप्टर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट वाले चैप्टर को अपन जो कंटिन्यूस कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, उसमें रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म में अपन रिप्रोडक्शन को डिफाइन किए थे लास्ट लेक्चर में, और रिप्रोडक्शन को दो टाइप में डिवाइड किए थे। ठीक है, कौन सा? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपन लेके चल रहे हैं, और बाइनरी फ्यूजन जो है लास्ट लेक्चर में अपन बाइनरी फ्यूजन को डिटेल से किए थे। ठीक है, और कई तरीके से अपन देखे थे कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, और बाइनरी फ्यूजन को उसमें अपन जो है डिटेल से किए थे। ठीक है, तो आज जो है लेटर जो भी असेक्सुअल का मेथड है ऑर्गेनिज्म में कैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो एक नेक्स्ट असेक्सुअल का मेथड है अपन बोलते हैं कोनिडिया फॉर्मेशन। ठीक है, तो अपन जो है रिप्रोडक्शन को दो पार्ट में डिवाइड किए थे, रिप्रोडक्शन एक को अपन बोल रहे थे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल नेक्स्ट वन इज सेक्सुअल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को अपन बाद में देखेंगे। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कई टाइप से था। ठीक है, जैसे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अपन किए थे बाइनरी फ्यूजन, और अपन लिखे थे कोनिडिया फॉर्मेशन, बडिंग, कोनिडिया फॉर्मेशन, बडिंग, स्पोरुलेशन, और क्या अपन किए थे फ्रेगमेंटेशन, और अपन क्या किए थे तो अपन बोल रहे थे उगुनिया, अपन बोलते ऑकाइनिक फॉर्मेशन, हार्मोगोनिया फॉर्मेशन। ठीक है, तो उन लोग को अपन यहां पे नहीं कर रहे ऑकाइनिक वगैरह, ऑकाइनिक को केवल देख पा रहे हैं, देख ले रहे हैं ऑकाइनिक को। ठीक है, बाकी हार्मोगोनिया आपके सिलेबस में नहीं है हार्मोगोनिया वगैरह, लेकिन आप याद रखेंगे प्रीवियस लेक्चर में भी मैं बोला था। ठीक है, ऑकाइनिक फॉर्मेशन, अनदर वन इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, वेजिटेटिव प्रोपागेशन। ठीक है, तो बैनिफिजम हो गया, हेडिंग डालेंगे कोनिडिया फॉर्मेशन, कोनिडिया फॉर्मेशन, पॉइंट लिखेंगे इट इज मेथड ऑफ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इज रिपोर्टेड इन सम फंजाई, इज रिपोर्टेड इन सम फंजाई, फॉर एग्जाम्पल
कौन से फंजाई में एग्जाम्पल बनेगा? तो अपन बोलते हो पेनिसिलियम, पेनिसिलियम स्पीसीज के फंजाई में जिससे पेनिसिलिन निकालते हैं, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम क्राइसोजेनम, ठीक है। तो पेनिसिलियम के स्पीसीज में कोनिडिया फॉर्मेशन होता है, ठीक है। कोनिडिया नेक्स्ट मान लिखो, कोनिडिया डेवलप ऑन कोनिडियो फोर एंड फॉर्म, एंड फॉर्म न्यू फंजाई। न्यू फंजाई मीन्स क्या? न्यू पेनिसिलियम, ठीक है। न्यू पेनिसिलियम जो फॉर्म करेगा या न्यू फंजाई मैं यहां पे लिख दिया हूं, ठीक है। नेक्स्ट, उसके बाद जो कोनिडिया फॉर्मेशन कैसे होता है वो अपन जो देख लेते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट और जो है मेंशन कर लेंगे, ठीक है। कैसे कोनिडिया फॉर्म हो रहा है तो देखते हैं कोनिडिया कैसे फॉर्म हो रहा है पेनिसिलियम में। मैं थोड़ा इन लोगों को यहां से हटा रहा हूं, या ठीक है इसको रहने दो, यहां एक पॉइंट हटा रहा हूं यहां से। कोनिडिया कैसे फॉर्म होता है तो पहले देखेंगे, सबसे पहले जो पेनिसिलियम फंजाई है, ठीक है, उस उसके बॉडी पे एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर डेवलप होता है। दिस इज स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर, इस तरीके के एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इस तरीके से डेवलप होता है, और दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर बोल रहे हैं, दिस वन इज कोनिडियोफोर, इट इज ए स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर। जब असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना होता है तो इलांगेटेड स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो डेवलप होता है उसी को बोलते हैं कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर बिकम ब्रांच कॉल मेटुली, सॉरी इसको रेमी बोलते हैं, रेमी, रेमी। फिर जो स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जो है फॉर्म कर रहा है, एंड दिस स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड मेटुली। एंड मेटुली डेवलप अ फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर, मेटुली डेवलप अ फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर, दोनों साइड में होगा, ठीक है, मैं दोनों साइड में नहीं बना रहा हूं। मेटुली डेवलप अ फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर कॉल स्टेरिक माटा या स्टेरिक मैटर, स्टेरिक मेटा बोल रहा हूं। स्टेरिक मेटा क्या है? इट इज फ्लास्क लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। स्टेरिक मेटा दैट डेवलप कोनिडिया, रियल में कोनिडिया अपन लिखते हैं पॉइंट में कोनिडियो फोर के ऊपर कोनिडिया डेवलप होता है, लेकिन रियल में अगर बात कर रहा है कि कोनिडिया कहां डेवलप होता है तो स्टेरिक मेटा के ऊपर पिंचिंग के वजह से डेवलप होता है, ठीक है। ऐसे कॉन्स्ट्रिक्शन बार बार डेवलप होता रहता और कोनिडिया यहाँ पे फॉर्म होते रहते हैं, ठीक है। तो स्टेरिक मेटा के ऊपर इस तरीके से कोनिडिया जो है डेवलप हो रहा, दिस वन इज कोनिडिया। ये कोनिडिया है और इसको अपन जो है कोनिडिया बोल रहे हैं, कोनिडिया। कोनिडिया क्या लेटर ऑन क्या करेगा? कोनिडिया डेवलप एंड फॉर्म, एंड फॉर्म न्यू फंजाई। और कौन सा फंजाई? पेनिसिलियम। यानी कि कोई और दूसरा वैरायटी का फंजाई फॉर्म होगा,
ऐसा नहीं होगा, पेनिसिलियम ही फॉर्म होगा, पेनिसिलियम से पेनिसिलियम ही डेवलप होगा, ठीक है। तो इस तरीके से पेनिसिलियम डेवलप होता है कोनिडिया से। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि जो कोनिडिया फॉर्म हुआ है, कोनिडिया किस मैनर में फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो अपन बोलते हो कोनिडिया बेसिपेटल मैनर में फॉर्म होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा है कि कोनिडिया का जो फॉर्मेशन है किस मैनर में होता है, तो बोलते हो बेसिपेटल मैनर में। तो कोनिडिया यहाँ पे कैसे फॉर्म हुआ, तो बेसिपेटल मैनर में, बेसी पेटल पैटर्न या मैनर में फॉर्म हुआ, बेसी पेटल मैनर में। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और कोनिडिया बेसी पेटल मैनर में फॉर्म हुआ है, और फिर कोनिडिया डेवलप करके क्या करता है, डेवलप एंड फॉर्म न्यू फंजाई, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं पे मियोसिस नहीं हुआ, ये सब माइटोटिक डिवीजन से जो है प्रोसेस हो रहा है। तो जो भी फंजाई फॉर्म होगा अपने पेरेंट जैसा फॉर्म होगा, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिपेटल मैनर में कोनिडिया फॉर्म हो रहा है। बेसिपेटल का मतलब क्या है, ठीक है, उसको देख लेते हैं। बेसिपेटल का मीन्स क्या होता है, अगर सिंपल सा मीन्स है, अगर मैं बेसिपेटल की बात करूं, अगर मैं फ्लावर लेके आपको समझा दूं, ठीक है, अगर मान लो कोई कंडीशन ये है इस तरीके से है, अगर यहाँ पे कोई बड़ा सा फ्लावर लगा, फिर यहाँ पे छोटे छोटे ऐसा करके इस तरीके से फ्लावर लगे, और दूसरा कंडीशन ये है कि दूसरा कंडीशन ये है इस तरीके से, तो दोनों कंडीशन में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहां पे आप देख रहे हो कि जो भी बड़े फ्लावर है या जो भी बड़ा पार्ट है ऊपर की ओर है, और बेस में क्या है, तो अपन बोलते हैं इमेच्योर कंडीशन है, मतलब छोटे छोटे पार्ट है, इमेच्योर बेस है। तो माइंड में सेट कर लेंगे अगर बेस में इमेच्योर है तो बोलेंगे बेसी पेटल, ठीक है। तो दिस अरेंजमेंट या दिस पैटर्न इज कॉल्ड बेसी पेटल। इसको बनाने के बाद इसको साइड में लिखना है, ठीक है। तो दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड बेसी पेटल, बेसी पेटल अरेंजमेंट या बेसी पेटल पैटर्न या बेसी पेटल मैनर में यहाँ पे अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है। बेसी को सेट कर लेंगे कि बेसी का मीन्स बेस में क्या है, इमेच्योर है। तो बेसी यहाँ पे देखो कहाँ पे इमेच्योर है, ऊपर की ओर आगे एक क्रो पेटल, ठीक है। तो इस तरीके से कंडीशन आएगा कि आगे इमेच्योर आएगा, तो दिस कंडीशन इज कॉल्ड, दिस अरेंजमेंट इज कॉल्ड एक क्रो पेटल, ए सी आर ओ पी टी ए एल, एक क्रो पेटल, एक क्रो पेटल अरेंजमेंट और बेसी पेटल अरेंजमेंट, ठीक है। तो एक क्रो मीन्स आगे, आगे इमेच्योर होगा तो अपन बोलेंगे एक क्रो, बेस का अगर इमेच्योर होगा तो बोलेंगे बेसी, तो ठीक है। तो ये दोनों टर्म को आप जो सेट कर लेंगे, बार बार जो है क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे देखो अरेंजमेंट कैसा है, यहाँ पे बेस में क्या है, इमेच्योर कंडीशन है, और ऊपर की ओर क्या है, मेच्योर। तो बेस में इमेच्योर तो क्या होगा, बेसी पेटल, ठीक है। इसी को बोलेंगे बेसी पेटल मैनर में यहाँ पे अरेंजमेंट दिखाई दे रहा है कोनिडिया का। ये इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है, और फिर कोनिडिया जो है न्यू पेनिसिलियम फॉर्म करती है। तो ये हो गया बेसी पेटल अरेंजमेंट, एक्रोपेटल, और क्या गया कोनिडिया से कैसे न्यू ऑर्गेनिज्म या न्यू फंजाई डेवलप हो रहा है, और कहाँ पे डेवलप हो रहा है, पेनिसिलियम में। और पेनिसिलियम क्या प्रोड्यूस करता है, पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन किसको ब्रेक डाउन करता है, बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है। तो ये हो गया कोनिडिया फॉर्मेशन। जो भी मतलब एडिशनल इन्फॉर्मेशन है जो आपको नहीं लिखा है उसको भी आप कॉपी में मेंशन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये होगा कोनिडिया फॉर्मेशन। नेक्स्ट देखते हैं बडिंग, उसके बाद इस कोरिलेशन वगैरह को देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे बडिंग, ठीक है। मैं हटा रहा हूं लोगों, हेडिंग अपन डाल रहे हैं बडिंग। इट इज पार्ट ऑफ सेक्चुअल असेक्चुअल रिप्रोडक्शन।
इट अकर इन यूनिसेलुलर यूनिसेलुलर का एग्जांपल कहां पे लिखेंगे? ईस्ट में. एंड मल्टी सेलुलर एग्जाम्पल कहां पर लिखेंगे? मल्टी सेलुलर का हाइड्रा वगैरह में, हाइड्रा वगैरह में लिखेंगे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे न्यू डॉटर ऑर्गेनिज्म फॉर्म बाय माइटोटिक डिवीजन नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे साइटोप्लाज्म मूव इन वन डायरेक्शन एंड फॉर्म ऑफ बड लाइक स्ट्रक्चर इन बडिंग साइटोप्लाज्म मूव इन one direction and form a bulge called bud. Bud contain नेक्स्ट पॉइंट लिखो बड कंटेन और डॉटर न्यूक्लिया है नेक्स्ट पॉइंट बट सेपरेट फ्रॉम बट सेपरेट फ्रॉम पेरेंट बॉडी एंड फॉर्म new independent organism. बट क्या होता है कि मेन बॉडी से डिटैच हो जाता है और उसके बाद वो इंडिपेंडेंटली सर्वाइव करके जो भी न्यू ऑर्गेनिज्म जो है फॉर्म करता. अगर हाइड्रा का है तो हाइड्रा न्यू मतलब डॉक्टर हाइड्रा फॉर्म होता है. अगर ईस्ट है तो डॉटर ईस्ट जो है फॉर्म होता है. ठीक है, तो देखते हैं कैसे फॉर्म होगा. अच्छा सर बड़ी. ठीक है, और अगर बोर्ड में आ रहा तो आपको डायग्राम वगैरह अच्छे से बनाना और कंपटीशन जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो भी आ रहा तो आप जो यहां से क्वेश्चन निकाल सकते. बॉडी में इस तरीके से कंडीशन होता. अगर मैं ईस्ट की बात करूं
एक ईस्ट सेल है, ठीक है, और ईस्ट एक फंजाई है, यूनिसेलुलर फंजाई है। इसका साइंटिफिक नाम है सैकेरोमाइसिस, सैकेरोमाइसिस सीरिबीसी। सैकेरोमाइसिस सीरिबीसी अपन लिख रहे हैं, ठीक है। एक इसका बॉटनिकल नेम है ईस्ट का यूनिसेलुलर जो फंजाई है, बेकिंग ईस्ट भी बोलते हो, ठीक है, और इसको बियर ईस्ट भी बोलते हैं। तो ईस्ट इस तरीके का है और ये साइटोप्लाज्म है उसका। ईस्ट जब फेवरेबल कंडीशन रहता है, ठीक है, तो क्या होता है, अपना नंबर बढ़ाने की कोशिश करता है। तो इसका साइटोप्लाज्म एक साइड में मूव करके जाता है और एक आउटग्रो डेवलप हो जाता है। तो नेक्स्ट अपन जो इस तरीके से लिखेंगे कि इस तरीके का एक आउटग्रोथ डेवलप हो रहा है और दिस आउटग्रोथ इज कॉल्ड बड। बड बोल रहा और साइटोप्लाज्म के मूवमेंट की वजह से बड डेवलप हुआ और उसी टाइम पे न्यूक्लियस भी डिवाइड होना शुरू हो जाता है। इस तरीके से कंडीशन आ जाता है। और साइटोप्लाज्म तो फोर्सफुली डायरेक्शन में मूव करके जाता है, इससे बल्ज आउट हो जाता है, बल्ज लाइक अपीयरेंस देता है, तो उसको बड बोल रहा हूँ। और ये पेरेंट सेल है। उसके बाद लेटर ऑन क्या होता है कि ये कॉन्स्ट्रिक्शन और अंदर की ओर इनवेजिनेट होता है और अंदर की ओर जो है इंटर करता है। और नेक्स्ट क्या होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर जो डेवलप होता है, ये अगर पेरेंट सेल है तो इसके ऊपर इस तरीके से बड जो है दिखाई देता है और फिर न्यूक्लियस कंप्लीटली सेपरेट, कंप्लीटली अलग हो जाता है न्यूक्लियस। दिस वन इज साइटोप्लाज्म। कुछ टाइम के लिए बड जो है, ये बड जो है फॉर सम टाइम इट अटैच ऑन पेरेंट सेल, कुछ टाइम के लिए बड पेरेंट सेल पे अटैच रहता है। दिस कंडीशन इज कॉल्ड प्रोटूबरेंस, ठीक है, एक कंडीशन है, एग्जाम में पूछा है प्रोटूबरेंस, प्रोटूबरेंस, प्रोटूबरेंस का मीन्स क्या होता है, बर्ड अटैच ऑन पेरेंट सेल फॉर फ्यू टाइम। बर्ड मैं यहां पर लिख कर रहा हूं, बर्ड अटैच ऑन पेरेंट सेल फॉर फ्यू टाइम। अगर बर्ड पेरेंट सेल पे कुछ टाइम के लिए अटैच हो रहा है तो अपन बोलो प्रोटूबरेंस, ठीक है। उसके बाद फाइनल, इसका फाइनल फेट क्या होता है, तो यहां से पेरेंट सेल से फिर बर्ड जो है अटैच हो जाता है, सॉरी डिटैच हो जाता है इस तरीके से, और ये पेरेंट सेल यहां से जो है सेपरेट हो जाता है, अलग हो जाता है। तो दिस वन इज डॉटर, दिस वन इज डॉटर ईस्ट, सॉरी ये पेरेंट सेल है, पेरेंट ईस्ट है, और ये जो है न्यू डॉटर ईस्ट है। तो इसको अपन क्या बोल रहे हैं, डॉटर ईस्ट। और इसको अपन क्या बोल रहे हैं, पेरेंट ईस्ट, ठीक है।
तो इस तरीके क्या हुआ, न्यू सेल जो है फॉर्म हुआ, न्यू जो है डाटा डिस्क फॉर्म हुआ, और ये फिर डाटा डिस्क धीरे धीरे अपनी साइज बढ़ा लेती है और पैरेंट जैसा जो है लेटर ऑन हो जाता है, ठीक है, और न्यू सेल इस तरीके से फॉर्म हुआ। तो यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है और एक ऑर्गेनिज्म से एक न्यू ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है, तो बोलो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, और पैरेंट जैसा ही जो है फॉर्म हो रहा है। तो ये जो है बडिंग कंडीशन है, और बडिंग आप देख रहे हो कहाँ पे, ईस्ट में। इसी तरीके से कंडीशन अपन जो हाइड्रा में देख रहे हैं, हाइड्रा में कैसे क्या कंडीशन है, तो मैं दूसरा डायग्राम बना दूंगा, मैं हटा रहा हूँ इसको यहाँ से। बडिंग का दूसरा डायग्राम अपन देखेंगे हाइड्रा के केस में, एग्जांपल कहां पे लेके चल रहे हैं, हाइड्रा। और हाइड्रा इस तरीके का है, वहां पे भी बडिंग कंडीशन से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है, ये हाइड्रा का कंडीशन, हाइड्रा में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन बडिंग से हो रहा है, ठीक है, और जब फेरियल कंडीशन रहता है तो हाइड्रा में एक आउटग्रोथ डेवलप होता है। नेक्स्ट डायग्राम में आप जो देखेंगे यहां पर, इस तरीके का है कि स्ट्रक्चर डेवलप होता है। दिस वन इज बर्ड, लेटर ऑन क्या होता है कि बर्ड बार बार डिवाइड होकर और जो है बड़ा हो जाता है, और डॉटर हाइड्रा जो है फॉर्म हो जाता है। This one is daughter hydra. Later on क्या होता है कि यहां से फिर daughter hydra धीरे धीरे कॉन्स्ट्रिक्शन यहाँ पे डेवलप होता है, daughter hydra जो है यहां से डिटैच हो जाता है, और फिर क्या होता है यहां से दो पार्ट डेवलप होता है, एक जो है पैरेंट पैरेंटल हाइड्रा और दूसरा एक डाटर हाइड्रा जो है यहां पे डेवलप होता है। This one is daughter hydra. जो भी daughter hydra यहां पे फॉर्म हुआ वो अपना न्यूट्रिशन जो है, जैसे यहां पे जो पेरेंटल हाइड्रा है ना,
उसका डर्मल जो लेयर है वो कॉन्टिन्यूस होता है डॉटर हाइड्रा में, जो पेरेंटल हाइड्रा का डर्मल लेयर है ठीक है वो डॉटर हाइड्रा में कॉन्टिन्यूस होता है, और जो डाइजेस्टिव पार्ट है वो भी डॉटर हाइड्रा में जो है कॉन्टिन्यूस होता है। किसका? तो अपन बोल रहे पेरेंटल हाइड्रा का जो डाइजेस्टिव पार्ट है वो भी डॉटर हाइड्रा में कॉन्टिन्यूस रहता है, और जो डर्मल पार्ट है पेरेंटल हाइड्रा का वो भी डॉटर हाइड्रा में कॉन्टिन्यूस होता है। कहने का मीन्स है कि जो भी डॉटर हाइड्रा है वो फूड मटेरियल कहाँ से ले रहा है, तो अपन बोल रहे पेरेंटल हाइड्रा से ठीक है, यानी कि जो भी फूड मटेरियल लेना होगा तो पेरेंटल हाइड्रा पे जो है डिपेंड होगा ठीक है। तो इस तरीके से कंडीशन है, और ये फाइनल जो है डॉटर हाइड्रा डिटैच होकर इंडिपेंडेंट लाइफ जो है सर्वाइव करता है, और फिर जो है ये धीरे धीरे फुली जो है मैच्योर कंडीशन में आ जाता है। तो इस तरीके का एक बडिंग का कंडीशन है ये, अपन यहाँ पे देखें और दो एग्जाम्पल अपन देखें। तो आप जो है इसमें अगर लिखना है तो एक एक पॉइंट आप लिख सकते हो कि मतलब एक हाइड्रा रहता है, फिर बर्ड कंडीशन डेवलप होता है, लेटर ऑन बर्ड कन्वर्टेड टू डॉटर हाइड्रा, एंड देन फाइनली डॉटर हाइड्रा डिटैच फ्रॉम पेरेंटल हाइड्रा एंड डेवलप न्यू हाइड्रा ठीक है, और न्यूट्रिशन ऑब्टेन फ्रॉम पेरेंटल हाइड्रा ठीक है। तो इस तरीके से आप कुछ पॉइंट्स में तीन चार पॉइंट जो है मेंशन कर सकते हैं ठीक है, और डायग्राम बना सकते ठीक है, हो गए बडिंग। उसके बाद अपन जो है बडिंग के बाद इस कोरिलेशन को फोकस करते हैं। इस कोरिलेशन में क्या क्या कंडीशन है ठीक है, मैं इसको हटा रहा हूं यहां से। नेक्स्ट आप हेडिंग डालेंगे स्पोर रिलेशन। स्पोर रिलेशन में मैं जू स्पोर फॉर्मेशन बोल दे रहा हूं, स्पोर रिलेशन ठीक है। इसमें एक स्पोर रिलेशन भी होता है, एक जू स्पोर फॉर्मेशन भी होता है, इस वो भी एक असेक्सुअल मेथड है ठीक है। तो चलो ठीक है, मैं स्पोर रिलेशन को ही पहले डिस्कस करता हूं। स्पोर रिलेशन, स्पोर यहां पर फॉर्म हो रहा है, और स्पोरुलेशन में नॉन मोटाइल स्पोर फॉर्म होते हैं ठीक है। तो अगर मान लो स्पोरुलेशन को मैं बोल रहा हूं तो कहां पे एग्जांपल जो है फॉर्म होगा, तो स्पोरुलेशन कुछ एल्गे और फंजाई में फॉर्म होता है, एल्गी एंड फंजाई, एल्गी और फंजाई में देखने को मिलता है स्पोरुलेशन। और एल्गी में, ग्रीन एल्गी में ठीक है, और फंजाई में इस कोरिलेशन कहां पे देखने को मिलता है, म्यूकर में, म्यूकर एंड राइजोपस, जिसको ब्रेड बोन बोल रहे हो। इस कोरिलेशन में देखो क्या होता है, फंजाई वगैरह में या एल्गी में क्या होता है, एक इस तरीके का सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है डेवलप होता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर डेवलप होता है ठीक है। इसको अपन बोलते हो स्पोरंजियो स्पोर, एक सैक, दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर इसको स्पोरंजियो स्पोर, सॉरी इसको स्पोरंजियम बोलते हो, स्पोरंजियो स्पोर नहीं, वो स्पोरंजियो स्पोर इसके अंदर डेवलप होगा। तो दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड स्पोरेंजिया, या इसी को अपन बोलेंगे स्पोरेंजियम ठीक है, स्पोरेंजिया या स्पोरेंजियम, इट इज व्हाट सैक लाइक स्ट्रक्चर। उसके बाद जो भी इसका प्रोटोप्लाज्म है इस तरीके का, दिस वन इज प्रोटोप्लास्ट या प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म ब्रेक डाउन इन स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीस में ब्रेक डाउन हो जाता है प्रोटोप्लाज्म, और डीएनए भी हर एक पीस में आ जाता है ठीक है। तो नेक्स्ट डायग्राम ऐसे आएगा, प्रोटोप्लाज्म ब्रेक डाउन इन स्मॉल पीसेस, और प्रोटोप्लाज्म छोटे छोटे पीस में ब्रेक डाउन हो जाता है, और इसमें डीएनए वगैरह भी आ जाता है, जेनेटिक मटेरियल भी,
ईच ट्री इज कवर्ड बाय मेम्ब्रेन, ठीक है, हर एक पीस जो है मेम्ब्रेन से कवर हो जाता है इस तरीके से। और इसके ऊपर वॉल भी फॉर्म हो जाता है, ठीक है, वॉल भी फॉर्म हो जाता है इसके ऊपर वॉल। और इस तरीके का वॉल फॉर्म हो गया, इसको अपन बोलते हो स्पोर, स्पोरेंजियम स्पोर। दिस वन इज व्हाट, स्पोरेंजियो स्पोर बोल रहे हो। और ये सब माइटोसिस डिवीजन से डेवलप होते हैं, स्पोरेंजियो स्पोर बोल रहे हो या नॉर्मल स्पोर बोल सकते हैं। और ये मोटाइल होगा नॉन मोटाइल होगा तो अपन बोलेंगे नॉन मोटाइल होगा, ठीक है, तो ये नॉन मोटाइल होता है। उसके बाद क्या होता है, जो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है वो क्या होता है, रप्चर हो जाता है, ठीक है। लेटर ऑन सैक लाइक स्ट्रक्चर बिकम रप्चर एंड रिलीज स्पंजियो स्पोर एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, ठीक है। और इस तरीके का स्पंजियो स्पोर जो रप्चर होता है और फिर जो भी स्पोर है ये जो है रिलीज हो जाते हैं। और ये स्पोर रिलीज होके न्यू इंडिविजुअल जो फॉर्म कर रहे हैं। मैं यहां पे लिख दे रहा हूं, स्पोर जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल, स्पोर ये दिस वन इज स्पोर, स्पोर जो स्पोर ही है। और स्पोर क्या होगा, अप्लाइड होगा स्पोर जर्मिनेट एंड फॉर्म न्यू न्यू इंडिविजुअल, ठीक है, न्यू इंडिविजुअल न्यू फंजाई या न्यू एल्गी जो भी है वो फॉर्म करेगा। तो दिस मेथड इज कॉल्ड स्पोरिलेशन, स्पोर जो है न्यू इंडिविजुअल फॉर्म हो रहा है कर रहा है, ठीक है। इसी तरीके से एक और स्पोर बनता है जो मोटाइल स्पोर होता है, उसका मतलब जू स्पोर, ठीक है। तो मैं थोड़ा जू स्पोर को भी जो है डिस्कस कर दे रहा हूँ यहाँ पे, वो भी असेक्सुअल मेथड का एक असेक्सुअल रिप्रोडक्शन का एक मेथड है जू स्पोर फॉर्मेशन। तो ये आपका सिंपल स्पोर फॉर्मेशन या स्पंजो स्पोर फॉर्मेशन हो गया, कैसे डेवलप हो रहा है आप जो है समझ पा रहे हो। उसके बाद जो है अपन यहीं पर कर लेते हैं जू स्पोर फॉर्मेशन, ठीक है। तो मैं हटा रहा हूं इसको यहाँ पे, आप नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे जू स्पोर फॉर्मेशन और स्पोर रिलेशन में ही आएगा, ठीक है, जू स्पोर फॉर्मेशन उसको देख लेते। जू स्पोर फॉर्मेशन जूस्पोर फॉर्मेशन में कहां पे रिपोर्ट हुआ, जूस्पोर फॉर्मेशन आप नाम से ही समझ पा रहे हो, जू का मीन्स होता है क्या, मोटाइल मतलब चलने वाला स्पोर, यानी कि जूस्पोर कहां पे जो रिपोर्ट हुआ, तो ये भी एल्गी वगैरह में रिपोर्ट हुआ, एल्गी एंड फंजाई, कुछ एल्गी कुछ फंजाई में जूस्पोर जो है फॉर्म होता है। और फंजाई में कई सारे जो है फंजाई, ठीक है, जिसमें जू स्पोर जो है फॉर्म होता है, जैसे सेप्रोलिग्निया है, ट्राइको फाइटोप्थोरा इन्फेस्टेंस है, ठीक है, तो एल्बिगो कैंडिडा है। तो फंजाई का मैं एग्जांपल लिख रहा हूं यहां पे, एल्बिगो
एलबीबो कैंडिडा सेप्रोलिनिया फाइटोप्थोरा इन्फेस्टर कई सारे हैं, ठीक है अपन उतना नहीं बोल रहे। जो स्पोर देखते हैं कैसे फॉर्म हो रहा है, तो इस तरीके का एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जो स्पोर में, दिस इज सैक लाइक स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे अपन इस सैक लाइक स्ट्रक्चर को जो स्पोरेंजियम बोल रहे हो, जो स्पोरेंजियम दिस सैक लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड जो स्पोरेंजियम। जैसे जो नॉर्मल नॉर्मोटाइल स्पोर बनाता था वहां पे अपन बोल रहे तो स्पोरेंजियम स्पोरेंजियम बोल रहे थे, यहाँ पे मोटाइल बनेगा तो जू स्पोरेंजियम बोल रहे। और इट इज सैक लाइक स्ट्रक्चर, एक सैक लाइक स्ट्रक्चर है। और यहाँ पे इस तरीके का प्रोटोप्लाज्म रहता है, प्रोटोप्लाज्म यहाँ पे बोल रहे अपन प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म ब्रेक डाउन इन स्मॉल पीसेस, छोटे छोटे पीस में ब्रेक डाउन होता है प्रोटोप्लाज्म। इस तरीके से स्मॉल पीस में ब्रेक डाउन होता है। ईच पीस कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इसमें डीएनए वगैरह भी आ जाता है। ईच पीस कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ईच पीस कवर्ड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस तरीके का यहाँ पे ये डेवलप हो जाता है, नेजला यहाँ से डेवलप हो जाता है चलने के लिए। और दिस मोटाइल स्पोर इज कॉल्ड जू स्पोर, दिस वन इज जू स्पोर। जू स्पोर एक चलने वाला स्पोर है, सो इट्स कॉल्ड जू स्पोर, ठीक है। जू स्पोर लेटर ऑन क्या हो जाता है, जू स्पोर ने रप्चर कर जाता है और जू स्पोर रिलीज करके फिर न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करता है। तो यहाँ पे कंडीशन ऐसा है कि जू स्पोर इस तरीके से रिलीज हो रहा है जू स्पोर के रप्चरिंग की वजह से। और दिस वन इज जूस फोर, जूस फोर रिलीज एंड फॉर्म, जूस फोर रिलीज एंड फॉर्म न्यू इंडिविजुअल। एक चीज और, जैसे जू स्पोर यहां से रिलीज होता है इसके ऊपर वॉल नहीं होता, ए जू स्पोर हमेशा नेकेड रहता है। जैसे जू स्पोर रिलीज होता है इसके ऊपर वॉल जो है आ जाता है, ठीक है। और ये जो भी फ्लेजला वगैरह है ये क्या हो जाता है, डिटैच हो जाता है और फिर न्यू इंडिविजुअल जो है फॉर्म होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जू स्पोर नेकेड फॉर्म होता है, रिलीज होने के बाद जब वाटर में आता है, ठीक है, तब जाके वॉल उसके ऊपर फॉर्म होता है और फ्लेजला वगैरह जो है डिटैच हो जाता है।
और फिर डिवाइड होकर न्यू इंडिविजुअल जो है फॉर्म करता है, एल्गी का या फंजाई का, ठीक है। उसके बाद एक चीज और देखते हैं, यहाँ पे दो शेप में जो है, दो शेप में यहाँ पे जूस्पोर फॉर्म हो रहा है, एक वो पियर शेप्ड बोल रहे और दूसरा किडनी या बीन शेप्ड में जूस्पोर जो है फॉर्म होता है, ठीक है। अगर एक ही जूस्पोरेंजियम में दो डिफरेंट तरीके का जूस्पोर फॉर्म हो रहा है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायप्लांटिज्म, डायप्लांटिज्म बोलते हो, ठीक है। इफ वन जूस्पोरेंजियम दैट पियर टू डिफरेंट टाइप ऑफ जूस्पोर, ठीक है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायप्लांटिज्म। तो मैं इधर लिख रहा हूं डायप्लांटिज्म का मीन्स क्या हुआ, नोट करके आप लिखेंगे, नोट करके, इफ जूस्पोरेंजिया या जूस्पोरेंजियम, इफ वन जूस्पोरेंजियम बियर टू डिफरेंट टाइप ऑफ जूस्पोर, टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ जूस्पोर ब्रैकेट में, वन इज पियर शेप्ड अदर इज किडनी और बीन शेप्ड। If one जूस्पोरेंजियम bear two different types of जूस्पोर, then it's called डायप्लांटिज्म, डायप्लांटिज्म। डायप्लांटिज्म बोल रहे हो, मीन्स क्या, इफ वन जूस्पोरेंजियम, यही तो है ना जूस्पोरेंजियम, इफ वन जूस्पोरेंजियम दैट बियर टू डिफरेंट टाइप ऑफ जूस्पोर, वन इज पियर शेप्ड एंड अदर वन इज किडनी या बीन शेप्ड, देन दिस कंडीशन इज कॉल्ड डायप्लांटिज्म, ठीक है। याद रहेगा, एक जो है पियर शेप्ड में है, एक किडनी शेप्ड में है, तो अपन बोलते हो इस कंडीशन को बोलते हो डायप्लांटिज्म, ठीक है। तो जूस्पोर रिलीज होगा और फिर न्यू इंडिविजुअल जो फॉर्म करेगा इसको बोलते हो जूस्पोर फॉर्मेशन, और कुछ इंडिविजुअल में रिपोर्ट हुआ ये सब अपन जो है बता दिए कहाँ पे रिपोर्ट हुआ, ठीक है। उसके बाद लेटर ऑन आएंगे तो जो भी बचा है उसको अपन जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू ऑल ऑफ यू, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक।